आज हम क्या सीखेंगे? यूज ऑफ हैज और हैव। क्या सीखेंगे हम? हैज और हैव का यूज। ठीक है, देखो हैज और हैव का अर्थ क्या होता है? रखना या पास होना। ठीक है, किसी चीज का रखना या पास होना, किसी के पास कोई वस्तु का रखना या पास होना। अगर सेंटेंस में क्या अर्थ आ रहा है? रखने का या पास होने का। किसी के पास कोई चीज है या वो कोई चीज़ रखता है। ठीक है, जैसे मैं पेन रखता हूँ, ठीक है, या मेरे पास एक पेन है। ठीक है, इस तरह का जब सेंस निकलेगा तो हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये मतलब अगर लास्ट में क्या आएगा? है, ठीक है, हो, ये आए। ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में किसी चीज़ के रखने की या पास होने की, जैसे हमने कहा मेरे पास एक पेन है, मेरे पास दो मार्कर हैं, मैं दो मार्कर रखता हूँ, मैं एक बोर्ड रखता हूँ, तो मैं बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ ना। जब बात किस में की जाए? प्रेजेंट में। ठीक है, किस में बात की जाए? प्रेजेंट में। और वाक्य में, सेंटेंस में अर्थ क्या निकल गया है? रखने का या पास होने का। वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज और हैव का। ठीक है, देखो हैज़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये सिंगुलर के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही सी इट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज का। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? हैज। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, वी है, यू है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? हैव। ये मेन वर्ब का काम करेंगे दोनों, हैज और हैव। किसका वर्क करेंगे? मेन वर्ब का। हैज कब आएगा? जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट। और हैव कब आएगा? प्लूरल आएगा जब सब्जेक्ट। ठीक है, और टेंस हमारा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। वाक्य में सेंस कैसा आना चाहिए? रखने का या पास होने का। ठीक है, देखो इसको सेंटेंस बनाते कैसे? सब्जेक्ट, ठीक है, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर हैज या हैव या ऑब्जेक्ट। हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट निर्धारित करेगा, हैज आएगा। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या निर्धारित करेगा? हैज आएगा, हैव आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम समझते हैं, सबसे पहले हैज। देखो हमने कहा उसके पास एक टीवी है, उसके पास एक टीवी है, उसके पास एक टीवी है। ठीक है, तो उसके पास, उसके का मतलब ही। ठीक है, तो ही क्या होता है हमारा? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आएगा हमारा? हैज। ही हैज क्या है? उसके पास एक टीवी। तो क्या हो जाएगा? ए टीवी। ठीक है, ही हैज अ टीवी, ही हैज अ टीवी। अगला, सुरेश के पास एक साइकिल है। सुरेश के पास एक साइकिल या सुरेश एक साइकिल रखता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? सुरेश। सुरेश के पास अर्थ आ गया ना, के पास, तो हम क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, ही हैज। क्या रखता है वो? एक साइकिल, यानी कि ए साइकिल। ठीक है, ही हैज अ साइकिल। उसके पास चार पुस्तकें हैं। ठीक है, देखो उसके पास चार पुस्तकें हैं। अगर उसके किसके लिए प्रयोग किया गया है? बॉय के लिए या मैन के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे? ही। लेकिन हो सकता है वो लड़की भी हो। क्या हो? वो लड़की भी तो हो सकती है। तो यहाँ हमने मान लिया कि वो लड़की है। ठीक है, क्या है? लड़की है। तो सी, और फिर सी क्या है हमारा? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर यानी कि हैज। तो सी हैज क्या है उसके पास? चार पुस्तकें, चार का फोर, और पुस्तकें बुक्स। सी हैज फोर बुक्स, सी हैज फोर बुक्स। अब हम बात करते हैं हैव का। देखो सबके लास्ट में है आ रहा था। ठीक है, प्रेजेंट में है ये। सबसे पहली बात ये किसमें है? प्रेजेंट में है। फिर इनका अर्थ क्या? रखना या पास होने का आ रहा है।
और सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हैज। अब बात करते हैं हैव की। देखो सबके लास्ट में क्या लिखा, मेरे पास एक पुस्तक है, प्रेजेंट में है। तुम्हारे पास एक अंगूठी है, प्रेजेंट में है। उसके पास दो पुत्र हैं, प्रेजेंट में है। सॉरी, उनके पास दो पुत्र हैं, प्रेजेंट में है। सब में है आ गया, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंट में आ गया, ठीक। दूसरी, सब में पास आ रहा है, क्या सेंस आ रहा है, सब में पास का सेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास, मेरे का मतलब आई, आई और आई के साथ हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो आई हैव क्या है, मेरे पास एक पुस्तक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक अंगूठी है, तुम्हारे पास, तुम्हारे का मतलब यू, यू और फिर हैव और क्या है, एक अंगूठी, आ रिंग, ठीक है। अंगूठी को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, यू हैव अ रिंग। तुम्हारे पास एक अंगूठी है, तुम्हारे, तुम एक अंगूठी रखते हो, एक ही सेंस होता है। उनके पास, उनके का मतलब होता है दे, उनके के लिए क्या हम यूज करेंगे, दे, ठीक है, दे। अब दे कैसा हमारा है, प्लूरल होता है इसलिए हैव आएगा। दे हैव क्या है, दो पुत्र, दे हैव टू सन, दे हैव टू सन्स, दो सन्स, लास्ट में एस आएगा, ठीक है, कि दो पुत्र, ठीक है, दे हैव टू सन्स। समझ में आ गया हैज और हैव का अर्थ, ठीक है, ये समझ में आ गया। सेंटेंस किस में होना चाहिए, हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए, और वाक्य में हमारा सेंस क्या निकले, रखने का या पास होने का, तब हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव का। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव। इतनी बात क्लियर है, हो जाएगा। ये हमारे किस तरह के सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमने अभी सीखा हैज और हैव का प्रयोग, ठीक है, जब हमारा सेंटेंस कैसा था, अफर्मेटिव। अब अगर सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव, निगेटिव का मतलब सेंटेंस में बात आ जाए नहीं की, उसके पास एक टीवी नहीं है, सुरेश के पास एक साइकिल नहीं है, उसके पास चार पुस्तकें नहीं हैं, ठीक है, थीके? मेरे पास एक पुस्तक नहीं है, तुम्हारे पास एक अंगूठी नहीं है, उनके पास दो पुत्र नहीं हैं। तो रखने का भाव या पास होने का भाव आ रहा है, प्लस प्रेजेंट में है, और तीसरी बात क्या है, सब में नहीं, ठीक है, मना किया जा रहा है कि ये मेरे पास चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव बना रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, और फिर प्लस नॉट, हैज हैव के बाद क्या जोड़ देंगे हम, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस इस तरह ये हमारा सेंटेंस बन जाए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, हमेशा जो ये वर्ब होती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक है, और प्लस हैज हैव के बाद क्या जोड़ देंगे हम, नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो समझो, उसके पास एक टीवी नहीं है, उसके लिए अंग्रेजी ही, पास नहीं है तो ही के साथ हैज नॉट, ही हैज नॉट एक टीवी, आ टीवी, ठीक है, ही हैज नॉट अ टीवी। सुरेश के पास एक साइकिल नहीं है, तो सुरेश, ठीक है, सुरेश हैज नॉट अ साइकिल, ठीक है, सही। उसके पास चार पुस्तकें नहीं हैं, तो उसके पास, वही बात, अगर लड़का तो ही, लड़की है तो सी हैज नॉट बुक्स, कितनी बुक्स नहीं उसके पास, फोर बुक्स, ठीक है, ही हैज नॉट फोर बुक्स, हो सकता दो हो, तीन हो या पांच हो, ठीक है। मेरे पास एक पुस्तक नहीं है, मेरे पास एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी हैं, या मेरे पास एक ही पुस्तक नहीं है। देखो आई के साथ में क्या आएगा, हैव, और हैव के बाद नॉट, फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, एक पुस्तक, यानी कि आ बुक, ठीक है, आई हैव नॉट अ बुक। तुम्हारे पास एक अंगूठी नहीं है, तुम्हारे पास एक अंगूठी नहीं है, यू हैव
नॉट क्या नहीं है, एक अंगूठी आ रिंग, यू हैव नॉट अ रिंग। उनके पास दो पुत्र नहीं है, तो उनके यानी कि दे के साथ हैव नहीं आया तो नॉट, और क्या नहीं है, दो सन यानी कि टू सन, टू सन्स, दे हैव नॉट टू सन्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारे हो गए निगेटिव वाले। हैज़ हैव के साथ नॉट का प्रयोग हम लोग किए, ठीक है, लेकिन हैज़ और हैव के साथ में नो का प्रयोग भी होता है, देखो प्लस नो, कब ये यूज़ करेंगे कब यूज़ करेंगे समझ लो। अगर सेंटेंस में संख्या का प्रयोग किया गया, जैसे एक एक चार, ठीक है, एक एक दो, अगर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यूज हुए हैं, मैनी मच आया हुआ है, क्या आया हुआ, मैनी या मच, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव के साथ में नॉट, क्या यूज करेंगे, हैज हैव के साथ में नॉट। अगर संख्या का प्रयोग ना किया गया हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव प्लस नो। देखो कैसे, उसके पास कोई टीवी नहीं है, हमने क्या बोला, उसके पास कोई टीवी नहीं है, उसके पास कोई टीवी नहीं है, तो इसमें कोई संख्या आ रही है, जीरो है उसके पास, तो हम क्या यूज करेंगे, ही हैज नो टीवी, ठीक है, ही हैज नो टीवी। मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, हमने क्या बोला, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव प्लस नो, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, तो आई हैव नो क्या, पुस्तक यानी कि बुक, आई हैव नो बुक, ठीक है। अगर संख्या या मच मैनी आए तो हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव के साथ में नॉट, अगर संख्या ना आए तो हैज हैव के साथ में क्या यूज करेंगे, नो, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ था एक या चार, एक दो, तो हमने क्या यूज किया, नॉट, यहाँ देखो कोई संख्या नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो है, तो उसके इसमें हम क्या यूज करेंगे, नो, ठीक है, नोट कर लो।